सीतापुर कहकर एक गांव में भानु नामक एक आदमी अपनी बीवी मालिनी और छोटी बेटी जूही के साथ रहता था। भानु स्वभाव से ही बहुत दयावान और नेक था। वहीं उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस और लालची औरत थी। एक दिन भानु अपनी गाड़ी में सवार होकर एक रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे बैठी एक गरीब अनाथ लड़की पर जाती है, जो फूट फूट कर रो रही थी। भानु गाड़ी रोककर उसके पास जाता है। क्या हुआ बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम यहाँ ऐसे रो क्यों रही हो? काका, मेरा नाम गौरी है। मेरे माई बापू दोनों का स्वर्गवास हो गया है। वो दोनों मुझे एक हफ्ते पहले ही एक एक्सीडेंट में इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। क्या? हाँ काका, और तब से मैं यहाँ से वहाँ बेबस और बेसहारा दर दर भटक रही हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है काका। बेचारी लाचार और बेसहारा अनाथ गौरी को देखकर भानु को उस पर बहुत दया आती है और वो उसे अपने घर ले जाता है। अब से तुम यहीं रहोगी, तुम्हें अब रोने की कोई जरूरत नहीं है गौरी बिटिया। धन्यवाद काका। अब ये महारानी कौन है, कहाँ से लाए हो इसे तुम भानु? मालिनी, ये गौरी है, इसका इस निर्दयी दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए ये अब हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगी। क्या, ये गंदे कपड़े वाली घटिया लड़की मेरे साथ? अपना दिमाग तुम कहीं गिरवी रख कर आए हो क्या भानु? अरे, लाखों रुपयों की आमदनी नहीं है तुम्हारी जो तुम इस लड़की को उठा लाए? अब इसका खर्चा और बढ़ जाएगा। किस मिट्टी के बने हो तुम, जहाँ देखो दया का भाव उमड़ जाता है। मालिनी, बच्ची ही तो है, कितना खा जाएगी और कितनी जगह ले लेगी, क्यों खामखा बहस कर रही हो? गौरी अब भानु के घर पर ही रहने लगती है, लेकिन उसके वहाँ रहने से मालिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गौरी से सख्त नफरत करती है। मालिनी काकी, मुझे भी गर्मा गर्म पराठा दो ना, जैसे आप जूही को दे रही हो। अच्छा, मुझे क्या तूने अपनी नौकरानी समझ रखा है जो मैं तेरी सेवा में लगूं? चल चल, तुझे तो मैं एक ग्लास पानी का ना दूं, पराठा तो कोसो दूर की बात है। एक दिन जब भानु काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाता है, तभी मालिनी गौरी से ढेर सारा काम कराती है। अरे बस, इतने में ही तेरा फ्यूज उड़ गया? अरे गौरी, अभी तो छत, बरामदा और गेट की सफाई तो बाकी है, वो सब बाद में करना। सबसे पहले तेल की सीसी लाओ और मेरे पैरों की मालिश करो। ठीक है काकी। गौरी मालिनी के पैरों की मालिश करती है और इसी तरह भानु की गैर मौजूदगी में क्रूर मालिनी गौरी से ढेर सारा काम करवाती है। दो दिन लगातार काम करने के कारण गौरी की तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है और तभी वो कुछ काम नहीं करती। ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, इसलिए मालिनी गुस्से से और भी लाल होने लगती है। ओए लड़की, तुझे क्या यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए रखा है हमने? चल जल्दी से उठकर काम पर लग, वरना तेरी तो तबीयत बिगड़ी है ना, उसे और बिगाड़ दूंगी मैं, समझी तू? लेकिन काकी, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है, मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है। आज एक दिन मुझे आराम करने दीजिए ना काकी। मुझे कुछ नहीं पता, उठ वरना मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगी। मालिनी के कहर से गौरी को बीमार अवस्था में भी उठना पड़ता है। बेचारी बीमार गौरी की तबीयत वाकई में बहुत गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो काम करती है और दिन भर काम करने के बाद उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? नहीं, इस बोझ को तो मुझे यहाँ से बाहर ही फेंकना होगा, क्योंकि ये तो कोई काम भी ढंग से नहीं कर पा रही है। मालिनी गौरी को अपने साथ एक जंगल ले जाती है और वो उसे एक कुएं में फेंक देती है। अब ये इस कुएं में ही मरेगी। भानु आएगा तो मैं उसे कह दूंगी कि पता नहीं कहाँ गई है, जूही को बोलकर गई है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मालिनी के जाने के बाद
उस कुएं से रोशनी उजागर होती है और उस अलौकिक रोशनी के साथ ही कुएं से 8 जलपरियां गौरी को बचाते हुए निकलती हैं और उसे जीवन दान देती हैं। अब तुम ठीक हो ना गौरी? जी जलपरी, लेकिन मुझे यहाँ लाया कौन? तभी 8 जलपरियों में से एक जलपरी उसे सब बताती है और वो सब सुनने के बाद गौरी को बहुत दुख होता है। ऐसा कैसे कर सकती हैं मालिनी काकी मेरे साथ? वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी तुम्हें बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिटिया, क्योंकि अब हम 8 जलपरियां तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करेंगे। जलपरियां एक साथ मिलकर अपनी जादुई शक्तियों से गौरी के लिए एक बड़ा सा आलीशान महल प्रकट करती हैं और उसे वो सारी चीजें देती हैं जिनकी उसे जरूरत हो। धन्यवाद 8 जलपरियां, मैं हमेशा आप लोगों की आभारी रहूंगी। जाओ गौरी, जी लो अपनी जिंदगी और घबराओ मत, क्योंकि हम 8 जलपरियां हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। गौरी अब एक बहुत ही अच्छा जीवन जीने लगती है और गांव में सभी को जंगल में बने हुए गौरी के महल के बारे में पता चल जाता है। जब मालिनी को ये बात पता चलती है तभी उसे बहुत हैरानी होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे अपने हाथों से उस कुएं में धक्का मारा था। अच्छा मालिनी, तो तुमने उस बेचारी गौरी को कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था? तुम इतना नीचे गिर सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चुप रहो तुम और जाओ अपने काम पर ध्यान दो। मालिनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और सीधे जंगल में मौजूद गौरी के महल के पास जाती है। वाह, ये तो बहुत ही आलीशान महल है। आज तो मैं गौरी का सारा धन लूट कर ही रहूंगी। वो कहीं से भी अमीर बनी हो, लेकिन वो मुझे आज उसके धन को लूटने से नहीं रोक सकती। मालिनी उस महल में जा रही होती है कि तभी वहाँ उसके ऊपर सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और वो खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, ये तो गजब हो गया, सोने के सिक्कों की बारिश। लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा सोने की सिक्कों की बारिश होने लगती है कि मालिनी उन सिक्कों के भार में दब जाती है और उसकी जान जाने लगती है। वो दर्द से कराहने लगती है। नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी वहां पर गौरी, भानु और जादुई कुएं की 8 जलपरियां भी आती हैं। अब यही तुम्हारी सजा है मालिनी। कहा था तुम्हें, लालच बुरी बला है। जिस धन के पीछे तुम इतनी लोभी हो चुकी हो, आज वही धन तुम्हारी जान लेने का कारण बनेगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार देती तो मैं आपको देवता समझ बैठती, लेकिन आपने तो मुझे मौत के मुंह में बेरहमी से फेंक दिया। मालिनी को उसके कुकर्मों की सजा मिल जाती है। वो उस सिक्कों के भार के नीचे दबकर मर जाती है और 8 जलपरियां हमेशा गौरी की हिफाजत करती हैं।